जो सदस्यता लेता है आपसे उसके लिए अगर मान लो 25 गांवों ने पेन ज्यादा बांटी तो 5G मोबाइल ने गिफ्ट किया। हाँ, बाइक गिफ्ट की, कैटेगरी पूरा करेगा वैसे। हाँ, वैसे गिफ्ट मिलता जाए, फ्री मिलता है। आज मैं बिहार राज्य में हूँ और बड़ी खुशी होती है कि IAS जितने भी टॉपर निकलते हैं बिहार से निकलते हैं। तो कुछ लोगों से ये निवेदन रहेगा, अगर पढ़े लिखे हैं तो इस कार्य में जरा मदद करें। TRS ट्रस्ट के रणवीर जी आए हुए हैं और यहाँ पर अपने ट्रस्ट के द्वारा बच्चों को, छोटे बच्चे, गरीब घर के जो बच्चे हैं उनको ट्रस्ट के द्वारा लाभ क्या दिया जाएगा ये बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पेन लेकर आए हैं, कॉपी पेन हर मंथली इस ट्रस्ट के द्वारा बच्चों को फ्री में दिया जाता है। उसके बाद पढ़ाई में जो पैसा लगता है उसको किस्त वाइज ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। बहुत कुछ सहयोग ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, ये हम रणवीर जी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ट्रस्ट है इस प्रकार कार्य कर रहा है कि बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे भी, कोचिंग या ट्यूशन वगैरह, उन्हें बिजनेस के लिए धन मदद करेंगे और ये धन मदद निःशुल्क रहेगी, मतलब ये वापस नहीं देना है। और ये धन मदद मतलब बचपन से बच्चों के साथ कितने सालों तक आप 13 वर्ष अगर हमें वो देते हैं तो मतलब पढ़ाई जब तक पूरा होता है उस समय तक आप लोग जुड़े रहते हैं। हाँ हाँ, 13 वर्ष तक अगर बच्चा हमसे जुड़ा रहेगा, हमारे उसमें नजदीकी में रहेगा, तो 156 माह के बाद जब 157 माह आता है तो उसको 50,000 से लेकर 4.5 लाख रुपया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये निःशुल्क रहता है, चाहे इससे दुकान खोलो और चाहे गरीब लोग अपनी विवाह शादियों में लगा लें। इस ट्रस्ट से जुड़ने का तरीका क्या है, बच्चे कैसे जुड़ेंगे? ऐसे बच्चे जो हैं जो पढ़ाई अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, अपना भविष्य को सुधार नहीं पा रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे? ऐसा रुकिएगा, आपने देखा होगा महंगी कोचिंगें होती हैं तो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, कम शुल्क में कोचिंग कराते हैं और अच्छे टीचरों के साथ, तो उनमें पढ़ाई का भी सुधार होता है। अच्छा, जिस एरिए में, जिस गाँव में जाते हैं उस एरिए के टीचर शिक्षक खोजते हैं। हाँ, वो शिक्षक मतलब उनको सदस्यता आपके ट्रस्ट से लेना पड़ता है। हाँ। वो सदस्यता लेते हैं और उसके बाद में ना 2,500 से लेके 10,000 रुपए मंथली वेतन दिया जाता है उनको, ताकि वो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को समझाएं और उनके पूरी जानकारी अपडेट करते रहे कि बच्चों को किस चीज, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो हम उसी के प्रति लाइन में लगा देते हैं कि जैसे डॉक्टर बनना है तो उसकी क्या क्या तैयारी रहेंगी, कहाँ कहाँ से जाना होगा, तो हम उसे सीढ़ी के काम करते हैं बच्चे के लिए। सीढ़ी किस तरह, बचपन से लेकर पूरा पढ़ाई जब तक न हो जाए उस समय तक ट्रस्ट बच्चों से जुड़ा रहे, छोड़ता नहीं। बच्चे जिस ओर जाना चाहते हैं उधर ट्रस्ट ले जाना चाहता है और उनकी मदद करता है, चाहे उनके माता पिता पैसा है या नहीं है। माँ बाप के पास पैसा नहीं है, ट्रस्ट ही मदद करता है। और उसमें उसकी कुछ पॉसिबिलिटी, जैसे मान के लिए किसी को MBBS करना है तो भाई बड़ी रकम चाहिए उसे, तो हम लोग उसको कराएंगे। तो हमारे यहाँ करीबन 2 साल जब वो पास आउट हो जाएगा तो 2 साल हमारे NGO में फ्री वर्क करेगा। लेकिन आजकल किसी को डॉक्टर बना दो और वो 1 साल आपको दे रहा है तो ये ट्रस्ट की लाभा भी हो जाता है और ट्रस्ट उसकी मदद कर रहा है, मतलब उनकी पॉलिसी में है। इस समय हम लोग सिवान जिले के घुटनी प्रखंड के यहाँ पर मजवलिया गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विद्या निशुल्क शिक्षा निकेतन इनका चलता है। इन पहचान की मोहताज नहीं है, कई अवार्डों से इस समय सम्मानित हो चुकी है। सिवान के बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, नेता, पूरा इंडिया में भी इन्हें सम्मानित किया जाता है, अच्छे अच्छे जगहों पर गई है। और इस समय ये निःशुल्क बच्चों को पढ़ाई देती है, पढ़ाती है घर पे, इनका मम्मी भी सहयोग करती है। ये भी शायद इस समय ग्रेजुएशन कर रही हैं आप। मैं नन्ही गुरु, और मेरा नाम नन्ही गुरु, मैं तब कोई जानते हैं, लेकिन मैं बद्दों की वजह से नन्ही गुरु बनी हूँ। आप तब की सपोर्ट दे मनी नन्ही गुरु, और मैं ग्रेजुएशन में 10 अभी MTVT एग्जाम होता है 2024 में, मैंने क्रैक किया एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिलन धाम ने मैं क्वालिफाई होके गई। वहाँ क्वालिफाई हो गई हूँ, इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई मैंने किया है। अरे वाह वाह, क्रैक कर दी है, क्रैक। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, अपने मेहनत और लगन से अच्छा खासा मुकाम पर इस समय ये बेटी हमारे घुटनी प्रखंड की, सिवान जिले की पहुंच गई है। देख सकते हैं निःशुल्क यहाँ पर क्लास देती है बच्चों सबका, बच्चों का भविष्य सुधारने में हरदम लगी रहती है। पेपरों में भी इसका नाम बच्चों के साथ हरदम आता रहता है। इसी से जुड़ने के लिए यहाँ पर ट्रस्ट यहाँ पर पहुँचा हुआ है, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। जो पैसा बच्चों में लगाता है सब केंद्र सरकार के द्वारा फंड इन लोग को मिलता है ना जी? जी, सरकार द्वारा मिलता है, और 12 भी 80 भी है, तो कुछ टैक्सेबल लोग भी हमें देते हैं, और फिर हमारा कुछ सदस्य शुल्क भी है तो ग्रामीण लोग भी मदद करते हैं। जैसे हमारा सदस्य शुल्क से भी पैसा आता है तो कुछ ग्रामीण लोग मदद करते हैं, मतलब सब जगह से हमें फंड मदद मिलती है, तब जाके अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। और हमारे हर एरिया में आप सदस्य जुड़ने के लिए बोलते हैं? नहीं, ये इसलिए है कि हमारे यहाँ नौजवान जो हैं रोजगार नहीं है, तो हमारे यहाँ जो निःशुल्क पेन बांटते हैं गाँव जाके, अगर वो करते हैं तो उन्हें हम 350 रुपये से लेकर 400 रुपये रोज का देते हैं, और वो गाँव गाँव सर्वे करके वो पेन बांटे, और जो गरीब बच्चे हैं जिनकी व्यवस्थाएं कम है तो उनकी वो रजिस्ट्रेशन करें, सदस्यता ले,
श्रेष्ठता ले, आप रजिस्ट्रेशन करें और उन्हें कॉपी पेन निःशुल्क पहुँचाने की कृपा करें, उन्हें आप वेतन मिलता है। और अगर वहाँ कोई टीचर मिलता है तो एक बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हम लोग मोबाइल वगैरह बाइक वगैरह देते हैं काम करने के लिए, और ये निःशुल्क रहती हैं, इनका भी शुल्क। सदस्यता लेने के लिए मान लीजिए ये बेटी पढ़ा रही है, अब तो तू आप दिल्ली चली जाओगे? मैं दिल्ली में अभी तो फिलहाल क्लास थे तो फिर जानी ही पड़ेगी मुझे। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए मैं खुद व्यवस्था करूंगी, जल्द से जल्द किसी ना किसी को हायर करने करूंगी मैं। टीचर यहाँ पर हायर करना है मैं करूंगी। और क्योंकि हम लोगों ने भी मतलब ये दुखर भी अब तक हुआ है, बच्चों की चाहे पढ़ाने की कॉपी चाहिए, किताबें चाहिए, ये तो भी उनकी बेटी के नीड है या उनके दुख दें। मैंने अपने तरफ भी कोशिश किया है, या गांव में पाले आता था कि बच्चे गाली देते हुए फिरते थे, मैंने एक एक बच्चे को इकट्ठा किया है एंड पढ़ाया है। आज 2015 में मैं पढ़ा रही। कितने बच्चों को आप शिक्षित कर चुकी हैं? 100 प्लस हो चुका है। लेकिन मेरे को अब एक एक बच्चे को तो हमने 2015 में पढ़ानी हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मान लीजिए वो पहले मामा घर रहते थे, यहाँ पे रहते थे, पढ़ते होते थे, वो अब तो अपने यहाँ चले गए। तो बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे अभी भी आते हैं, खेती का टाइम होता है तो कभी कम होते हैं कभी अधिक होते हैं, बट हाँ पढ़ते हैं बच्चे। चलिए, हौसला अगर जुनून दिल से हो तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। एक बात तो है कि मीडिया अच्छी है देश की, जो योगदान देती है इन बच्चों के अच्छे कैरियर में, और विद्या निःशुल्क निथा निकेतन स्वागत करता है कि आप आए और बच्चों से मिले। आप आए यहाँ पर घुटनी के जजौर गांव में बच्चों से मिले, अगर मधोलिया गांव में है, अगर आप इस ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, सदस्यता लेना चाहते हैं, अगर बच्चों को भी इस ट्रस्ट से जुड़वाना चाहते हैं, शिक्षित बच्चों को करना चाहते हैं, भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इस ट्रस्ट से जुड़िए और बच्चों का भविष्य बनाइए। सदस्यता भी लेना, सदस्यता निःशुल्क है। ऐसा है, अगर केवल पेन बांटने का कार्य कर रहे हैं तो सदस्यता नहीं चाहिए, अगर वो हमसे जुड़ा रहना चाहता है तो आजीवन सदस्यता में चाहिए, और वो उनके कई प्लान्स के द्वारा रहती है। ऐसा है कि 280 तो रहता ही रहता है, और एक सदस्यता में आजीवन 1000 रुपये रहता है। जो सदस्यता लेता है आपसे, उसके लिए अगर मान लो 25 गाँवों ने पेन ज्यादा बांटी तो 5G मोबाइल ने गिफ्ट किया, बाइक गिफ्ट की, कैटेगरी पूरा करेगा, वैसे वैसे गिफ्ट मिलता जाएगा, फ्री मिलता जाएगा, और सैलरी भी मिलता जाता है। 3 महीने 6 महीने बाद हम परमिट कर देते हैं, और उसे सैलरी 8000 से लेकर 16000 रुपये मंथली रहता है। तो ये मतलब अच्छा रहता है, 16000 मान के चलो 2000 का पेट्रोल चला जाए, फिर भी 14000 घर के घर, और वो भी पढ़ा लिखा आदमी ही जुड़ सकता है, जो पढ़ा सके बच्चों, पढ़ा सके, या फिर वो गाँव ये सामग्री बांटने भी जा सके। चलिए, आप भी अगर सदस्यता लेना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य अपने एरिए में अपने गाँव में सुधारना चाहते हैं, पढ़ाने का मन है, तो इस ट्रस्ट से जुड़िए। ट्रस्ट आपको सैलरी देगा, मंथली देगा, उसके बाद इनके जो कैटेगरिया होता है उसको पूरा करिए, वैसे वैसे आपको गिफ्ट भी मिलेगा, गिफ्ट भी देता रहेगा, देता रहेगा, ताकि आप बच्चों को जोड़िए, बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाइए। और ये नहीं है कि आपको जोड़ने का मतलब है कोई शुल्क लेना है, अगर आप एक बार मेरे किसी गाँव में प्रचार करते हैं तो पेन और कापियाँ निःशुल्क बांट के आइए, और उसका 400 रुपया 300 रुपये दिन हमसे लीजिएगा। और आप सदस्य बन के आप जुड़ रहे हैं तो हम आपको उसी प्रकार से आपको हैंडल दें, तो आपको 5G मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, जो भी चीज़ें वो गिफ्ट देते हैं। चलिए, आप भी अगर बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर फोन करिए, अपने बच्चे का उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं, लिंक आपके उसमें। वेबसाइट का नाम क्या है? TRS कासगंज न्यू इंडिया.com TRS कासगंज न्यू इंडिया.com इस पर जाइए और अपने बच्चों का वहां से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, लेकिन तभी करा सकते हैं जब उस गांव में हमारा कोई कार्यकर्ता होगा। पहले सदस्यता होने चाहिए शिक्षित लोगों का, उसके बाद वो लोग बच्चों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे किसी व्यक्ति को अपना सदस्य नहीं बनाते जिसे हम सर्विस नहीं दे सकते। अगर इस तरह का अगर कोई बन भी जाता है तो हमसे कोई लाभ नहीं दे पाते, तो इसलिए हमारी साइट पे केवल वही सदस्य बनेगा जब वहाँ कोई कार्यकर्ता होगा। चलिए, अगर आप गरीब है, सक्षम नहीं है बच्चों को भविष्य सुधारने में, पढ़ाने में, तो इस ट्रस्ट से जुड़िए। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर फोन करिए और इस ट्रस्ट का सदस्य बनिए, उसके बाद बच्चों को अपने से जोड़िए, बच्चों का भविष्य सुधारिए, पढ़ाइए, और उसके बाद इस ट्रस्ट से फायदा उठाइए। कहना चाहूँगा, आज मैं बिहार राज्य में हूँ और बड़ी खुशी होती है कि IAS जितने भी टॉपर निकलते हैं वो बिहार से निकलते हैं, तो कुछ लोगों से ये निवेदन रहेगा, अगर पढ़े लिखे हैं तो इस कार्य में जरा मदद करें। शायद मेरी भाषा आपको थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लग रही, क्योंकि मैं मथुरा साइड का हूँ, तो आप जुड़ें और अपने राज्य का नाम रोशन करें, क्योंकि दो ही राज्य ऐसे हैं जिनका नाम या तो ए ग्रेड में आता है या फिर सी ग्रेड में आता है, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार, और उत्तर प्रदेश का मैं हूँ और बिहार के आप सब लोग हैं, तो थोड़ी सी जागरूकता करें और इस योजना को घर घर
पहुँचाएं जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर मजबूत बने। बस धन्यवाद। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।